दोस्तों, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने का पीछे ऐसे अलग अलग कारण हो सकता है। अगर किसी का क्रेडिट स्कोर कम है या फिर खराब है, उस केस पर भी क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। साथ में कोई अगर इनकम करते हैं लेकिन इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं, फिर भी क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई जॉब करते हैं लेकिन सैलरी कैश पर मिलता है, मतलब अकाउंट पर नहीं मिलता है और पे स्लिप भी नहीं है, उस केस पर भी क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस बारे में मैं आज आप सबको जानकारी दूंगा। अगर अपना क्रेडिट स्कोर ठीक ठाक है और आप ITR फाइल भी करते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड मिलने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी आप लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। पता है क्यों? अगर अपना एरिया पर क्रेडिट कार्ड का सर्विस चालू नहीं हुआ है तो। आज का इस वीडियो पर मैं आप सबको यही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, जिसके तहत आप लोग घर में बैठ के पता कर सकते हो अपना जो एरिया है उसी एरिया पर क्रेडिट कार्ड का सर्विस है या फिर नहीं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, मेक श्योर वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तरुण राज और आप लोग देख रहे हो आप सबका फेवरेट चैनल माइम मॉनिटर। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हो सो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं मेरा टेलीग्राम पर काफ़ी एडवांस लेवल का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस शेयर करते रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक मिलेगा, टॉप वन पेज लेटेस्ट सर्विस। ये जो लिंक है, आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और मेरा ये एक पार्टनर पोर्टल है जिसको मैंने ग्रूमो के माध्यम से बनाया हूँ। और इसी पार्टिकुलर पोर्टल से आप लोग पता कर सकते हो अपना एरिया पर क्रेडिट कार्ड का सर्विस चालू है या फिर नहीं। अलग अलग बैंक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ आजकल कुछ NBFC भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता करना है IndusInd बैंक का क्रेडिट कार्ड का सर्विस अपना एरिया पर चालू है या फिर नहीं, उसलिए आप लोग IndusInd बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस जगह पर सबसे पहले आप लोग अपना नाम डालेंगे, उसके नीचे आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके नीचे आप लोग अपना ईमेल आईडी डालेंगे और इसी जगह पर आप लोग अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, मतलब अपना आधार कार्ड पर या फिर अपना एड्रेस प्रूफ पर जो पिन कोड मौजूद है उसी पिन कोड को डालेंगे। इतना करने के बाद कंटिन्यू ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे हो इस जगह पर क्या बताया गया है, करंटली IndusInd क्रेडिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस पिन कोड। कहने का मतलब है मेरा जो पिन कोड है उसी पिन कोड पर IndusInd बैंक का क्रेडिट कार्ड सर्विस चालू नहीं है। इस प्रकार से आप लोग पता कर सकते हो। हम यहाँ पर और एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, AU's मॉन फाइनेंस बैंक। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस जगह पर आप लोगों को अपना नेम डालना पड़ेगा, उसके नीचे मोबाइल नंबर, उसके नीचे ईमेल आईडी और इसी जगह पर आप लोगों को अपना इनकम सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके नीचे आप लोग अपना एरिया का पिन कोड डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, करंटली AU's मॉन फाइनेंस बैंक क्रेडिट कार्ड इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस पिन कोड। कहने का मतलब है हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और हमारा जो एरिया है उसी एरिया पर AU's मॉन फाइनेंस बैंक का क्रेडिट कार्ड सर्विस नहीं है, साथ साथ IndusInd बैंक का भी क्रेडिट कार्ड सर्विस नहीं है। लेकिन हाँ, HDFC और एक्सिस बैंक का सर्विस अवेलेबल है क्योंकि मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। हम और एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पर है IDFC फर्स्ट बैंक। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सेम जिस प्रकार से डिटेल्स डालना होता है वही डिटेल्स देना पड़ेगा, लेकिन नीचे और दो अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके अलावा अगर आप पिछले 24 महीने के अंदर अंदर कोई डिले रिपेमेंट किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है इसलिए मैंने पहला वाला ऑप्शन को यस किया हूँ और मैंने 2 साल के अंदर अंदर कोई रिपेमेंट के लिए डिले नहीं किया हूँ, इसीलिए मैंने इसको नो किया हूँ। चलिए मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ।
देखिए दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट कार्ड सर्विस है वो भी हमारा एरिया पर चालू नहीं हुआ है। सो गाइस, क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने का पीछे यही एक कारण है। अगर अपना एरिया पर किसी भी पार्टिकुलर बैंक का या फिर किसी भी पार्टिकुलर NBFC का क्रेडिट कार्ड सर्विस चालू नहीं है, उस केस पर आप लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलेगा नहीं। भले ही अपना फाइनेंशियल प्रोफाइल जैसे कि क्रेडिट स्कोर, ITR, सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ है, फिर भी